नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस गेस्ट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 20 साल के शासनकाल को पूर्ण होने पर मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नेतृत्व करने की क्षमता है। मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 20 साल शासन पूर्ण किया है। उन्होंने 20 साल के पूरे शासनकाल में एक भी दिन का अवकाश ना लेकर देश की जनता के लिए समर्पित रहकर कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हुआ है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ 75 ज़िले हैं और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसलिए यूपी में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 75 मिनिमम बनाने का एक निर्णय लिया गया है और हम 6000 अमृत सरोवर बना रहे हैं। आने वाले 15 अगस्त को लगभग 20% अमृत सरोवर यह तैयार होंगे, जहाँ पर गाँववासी सब मिल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम करेंगे। खबर कन्नौज से है, जहां अखिलेश यादव पहुंचे और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सपा कार्यालय में मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी अखिलेश यादव। साथ ही कन्नौज में हुए आगजनी और बवाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। घर घर समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे और गाँव गाँव में भी सदस्यता। भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दों का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो ईडी सीबीआई को आगे कर देगी और सब नेताओं को ईडी सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, देखना आप चुनाव। और सोचिए जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त हैं वो जन्माष्टमी ना मना पाए, इसीलिए दूध दही घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा देगी। राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव के एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को कहा गया कि आपको जहां सम्मान मिले आप वहां रहिए। इसी को लेकर शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी से स्वतंत्रता की चिट्ठी दिए जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम पहले से ही स्वतंत्र थे, हमें कौन स्वतंत्र करेगा और मैं इसे राजनीतिक अपरिपक्वता मानता हूं। उन्हें राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण पत्र दिया है। देखिए, जो लेटर जारी हुआ है वो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई है और उस लेटर में औपचारिक स्वतंत्रता दे दी गई है, तो इससे तो लगता है कि ये जो लेटर जारी हुआ है अपरपक्वता का राजनीतिक प्रमाण दिया गया है। सर, राष्ट्रपति चुनाव में आपने एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन दिया, तो क्या 24 में भारतीय जनता पार्टी को भी दे सकते हैं? अभी कोई फैसला नहीं, अभी हम केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारी विचारधारा समाजवादी है, समाजवादी विचारधारा है और अगर कहीं किसी गठबंधन में अगर कोई बनेगा तो विचार कर लेंगे अपने साथियों के साथ। खबर फरीदाबाद से है, जहां के पलवल किठवाड़ी रोड स्थित गोपाल जी डेयरी पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 1000 किलो घी, 125 किलो पनीर और 200 किलो खोआ बरामद हुआ है। इस दौरान टीम ने पनीर घी खोए के सैंपल लिए, जिसको जांच के लिए भेजा गया है, जिसके अगले 15 दिनों में नतीजे आएंगे और अगर सैंपल में मिलावट पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खबर हरदोई से है, जहां आशा बहुओं ने सीएचसी पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टोडरपुर में तैनात बीपीएम शेखर गुप्ता और आशा संगनी प्रतिभा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और भुगतान में हो रही कमीशनबाजी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। कलेक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्तियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उन्हें जो है कोविड का 2 साल का एक इंसेंटिव दिया गया था, जो जिसकी धनराशि 12,000 रुपये है। उसके सापेक्ष 12,000 देने के सापेक्ष प्रत्येक कार्यकर्ती से जो है 4,000 रुपये बीपीएम के द्वारा मांगा गया है, और इन लोगों ने लिखित रूप में और एफिडेविट पर इसको दिया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जितने भी प्रोग्राम चलते हैं बिना बीपीएम को पैसा दिए जो है कोई भी मतलब इनका भुगतान नहीं होता है, इनका उत्पीड़न किया जाता है आर्थिक रूप से। तो जब सारी प्रक्रिया को समझा गया और जाना गया, इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है। सर खुद इस प्रकरण का संज्ञान लिए हैं जी। हमारी समस्या यह है कि हम 2 साल से ड्यूटी कर रहे हैं कोविड की, उसका 12,000 रुपये आया था, उसका 4,000 रुपये सभी बहनों से लिया गया, किसी से मतलब कि वहाँ पे दलाल द्वारा लिया गया, किसी से मतलब डायरेक्ट ही लिया गया है, यानी हर चीज पे कटौती हो रही है। डायरेक्ट किसने लिया? डायरेक्ट लिया है शेखर गुप्ता ने लिया है। कौन? वो है बीपीएम है। आशा संगिनी द्वारा किसी से लिया गया? किसी से लिया गया? दलाल द्वारा लिया गया। दलाल जो है उनका नाम जाकिर है। जाकिर है उनका नाम। किस बात के पैसे लेते हैं? पैसे सर लेते हैं, अगर हम ना मतलब हर कार्य पे पैसे लेते, कभी होम विजिट किया, कभी गर्भवती जो भी मतलब कि डिलीवरी ले गए शिल्पो हम लोग जमा करते हैं उसका भी पैसा ले लेते 100 रुपये एक। टोनरपुर ब्लॉक से आए हैं सर। सर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। क्या मांग क्या है? मांग ये है सर कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए सर, और सर जितना हमारा मानदेय आता है उतना हमारा मानदेय आए सर, उसमें कटौती ना की जाए सर। सर 30% सर सब पे ले लेते हैं सर। डिलीवरी पे 100 रुपये, जिस पर 600 रुपये जाते हैं 100 रुपये ले लेते हैं। बीपीएम शेखर गुप्ता सारे लोग लेते हैं। अलीगढ़ के विधानसभा इग्लास में चार्ज लेने के दूसरे दिन ही उपजिलाधिकारी इग्लास ने सीएचसी इग्लास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी में असुविधाओं के अंबार दिखे, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी ने अधीनस्थ पर जमकर गुस्सा दिखाया और इमरजेंसी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर उपजिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। मेरे द्वारा सीएचसी इग्लास का निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण, और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स का अटेंडेंस रजिस्टर, साफ सफाई और ड्रग्स की उपलब्धता, एक्सपायरी डेट, कोविड वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें जो है चेक की गई हैं। और फिलहाल सभी व्यवस्था फिलहाल ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो दुरुस्त नहीं मिली है। उसके लिए जो है यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनको इसके लिए कह दिया गया है कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर जो है जो भी स्वीपर हैं उसको जो है नियुक्त करें, पर्याप्त उसमें 2 यहाँ पे होने चाहिए, और डस्टबिन वगैरह साफ सफाई ये सब देखें। इसके अलावा जो है इमरजेंसी जो वार्ड है उसमें फिलहाल जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी इनको डायरेक्ट कर दिया गया है कि इसमें एक लेटर बनाकर जो है सीएमओ साहब से तुरंत जो है इसमें नियुक्त कराएं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से वीडियो कॉलिंग करने का वीडियो सामने आया है। मंदिर से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी ने गर्भगृह में खड़े होकर बकायदा वीडियो कॉलिंग की। वहीं जब मंदिर प्रशासन को इसका पता चला तो हड़कंप मच गया। आइए, कल की घटना है। कल हम लोगों एक जब आरती बैठ रही थी उस समय हमारे कुछ कर्मचारी थे जो मंदिर में साफ सफाई कर रहे थे, उस समय जो कि ऐसा वीडियो देखने से, ऑनलाइन जो वीडियो चल रहा है उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। हम इसकी जांच करा रहे हैं और ये देखते हैं अगर इस पर कुछ वास्तव में कार्रवाई, अगर कॉलिंग करें तो कार्रवाई कराएंगे। सर ये कौन है व्यक्ति? ये हमारे मंदिर के कर्मचारी है, एक तो जो साफ सफाई कराते हैं वो है, दूसरा ओएसडी है जो इस चीज को। खबर मैनपुरी से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उज्ज्वला भारत उज्ज्वल भविष्य का योजना किया गया।
आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम नरेश अग्निहोत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान में विधायक और जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शिरकत की और शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि पूरे देश में और जनपद में ये प्रोग्राम 25 तारीख से 30 तारीख तक चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया वर्तमान में ऊर्जा विभाग में 4 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और हम इसे निर्यात भी कर रहे हैं। बता दें कि अमर शहीद इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम देश में आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो चुके हैं अमृत महोत्सव। इस क्रम में विद्युत विभाग ने पिछले 75 वर्ष में कितनी प्रगति की है और देश को क्या विकास में योगदान दिया है, इससे आम जनता को रूबरू कराने के उद्देश्य से हमने एक शहीद स्मारक स्थल का चयन किया, जिसमें शहीदों को भी क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने का कोई औचित्य नहीं है अगर हम शहीदों को नमन ना करें। उन शहीदों को नमन करते हुए उनकी आत्माओं को उनके परिजनों का सम्मान करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले विभाग में जहाँ 1366 मेगावाट मात्र 1947 में जनरेशन थी, आज 4,38,000 मेगावाट का हमारे उत्पादन है। निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में हर जनपदों में जो 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 2 दिवसीय विद्युत दिवस के रूप में ऊर्जा विभाग के द्वारा मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शहीदों के या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो जनपद में महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पर जो कार्यक्रम होने उसी क्रम में आज अमर शहीद इंटर कॉलेज जो बेवर का ये हॉल देख रहे हैं यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा विद्युत विभाग के द्वारा जो है ये बिजली दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है और जो पूरे देश में काम हुआ है उससे लोगों को रूबरू कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खबर फरुखाबाद से है, जहां राजापुर ब्लॉक सभागार में महिलाओं को एफडी के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत गांव में एक महिला नल हैंडपंप सैंपल लेकर किट के माध्यम से पानी की शुद्धता की जांच करेगी। इस कार्य के लिए एक ग्राम सभा में 5 महिलाओं को जोड़ा गया है। 8 दिन से चल रहे प्रशिक्षण में आई महिलाओं ने 6 दिन तक खाना उपलब्ध न कराने का और मजबूरन जमीन पर बैठकर भोजन करना बड़ा आरोप लगाया है। हम समूह से कौन सा अध्यक्ष हो? आज का खाना मिला जो ये किस तरीके का मिला? आज खाना भैया कुछ बढ़िया नहीं। बढ़िया नहीं? कितने दिन से चल रही है? कल 2 दिन से। 2 दिन से इसी तरीके से मिल रहा है? खबर फरीदाबाद से है, जहां खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम देश भर में शुरू किया गया है, लेकिन ट्रेनिंग के एवज में पैसे लेने वाली क्वाड्स कंपनी का घालमेल सामने आया है। एक दुकानदार ने रुपए लेकर बिना ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप भी लगाए हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंपनी द्वारा की गई लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो 2-3 लोग आए थे वो FSSAI की तरफ से, उन्होंने कहा था कि जो सर्टिफिकेट देंगे आपको, ठीक है, और कल शाम तक मुझे नहीं मिला था, मुझे लगा था चल शाम तक दे जाएंगे, उन्होंने कहा था शाम तक दे जाएंगे। सुबह मैंने फ़ोन किया था, उनकी रिसिप्ट जो मिली थी मेरे को, तो मैंने कॉल की थी तो कॉल नहीं लगी थी, तो मुझे डाउट लगा था, इस वजह से मैंने एक अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया था। हर दुकानदार को हर उसको ज्ञान देने के लिए, उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए भारत सरकार का प्रोग्राम है, हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसके अंदर ये हमने सभी जितने भी दुकानदार हैं इनको ट्रेंड करना है और इनको सर्टिफिकेशन देना। सर्टिफिकेशन की जो वैल्यू है वो 2 साल की वैल्यू है, 2 साल के बाद उसको दोबारा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और 25 आदमियों पर एक आदमी को ट्रेन होना जरूरी है। खबर कानपुर से है, जहां हिंसा मामले में बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा जेल में बंद है। जिस जमीन पर बाबा बिरयानी की दुकान बनी है वो राम जान के ट्रस्ट के नाम पर थी, जिसकी जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई जा रही है, पर अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कानपुर बार एसोसिएशन के वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीना ने बताया कि मामले की जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्री राम जानकी मंदिर ठाकुर द्वारा 99/14 बेकनगंज, जिसको कि
मुख्तार बाबा द्वारा तोड़ करके कब्जा करके अवैध रूप से उसमें बाबा बिरयानी के नाम से मुर्गे की दुकान खोल दी। हम उस संबंध में आए थे, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया और बताया कि किस प्रकार इन लोगों ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज के सहारे से आबिद रहमान, शाहिद रहमान और आरिफ रहमान, जिसमें से कि एक भाई पाक नागरिक है और बाकी दो भाई कानपुर में रहते हैं और जिनका वुडवाइन स्कूल कल्याणपुर में चल रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस ने 23 जुलाई को खेत से पशुओं का चारा लेने गई महिला की हत्या करने वाले गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा हत्यारे की निशानदेही पर मालन नदी में मृतक महिला की चप्पल और घास काटने की दरांती बरामद की गई है, जिसको लेकर एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर महिला की हत्या की घटना का खुलासा किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार हत्यारे को जेल भेज दिया गया। 23 जुलाई को एक 54 वर्षीय महिला का शव ग्राम यूसुफपुर के जंगल में गन्ने खेत में मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम कराने पर उसकी मृत्यु का कारण गला दबाना आया था, थ्रोटनिंग आई थी। इसके खुलासे के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली नगर और उनके अन्य साथी लगे हुए थे खुलासे के लिए। देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बता दें 23 साल पहले 26 जुलाई को भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर आतंकवादियों को खदेड़ दिया था। वहीं आज कारगिल युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए वीर ने 23 सालों बाद कारगिल युद्ध की यादें साझा की और सेना को धन्यवाद देते हुए युवाओं को सेना में भर्ती होने को जागरूक किया। साथ ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सेवन इन्फेंट्री में डिवीजन में रीत लेइंग सेरेमनी किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने कारगिल दिवस में फतेह करके वर्ल्ड में अपना परचम लहराया है, भारतीय सेना का नाम गौरवशील बनाया है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सेवन इन्फेंट्री ब्रिगेड में, और सारे वेटरन्स जिन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किया है वो यहाँ मौजूद है। खबर गाजीपुर से है, जहां कारगिल दिवस को लेकर छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति का माहौल नजर आया। इस अवसर पर नन्हे मुन्हों ने अपने अंदाज में कारगिल शहीदों को नमन किया। जिले के कन्हईपुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने कारगिल दिवस पर पिरामिड बनाकर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेरा नाम हिमांशु यादव है, मैं प्राथमिक विद्यालय कन्हईपुर में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया। हम सभी लोगों ने भारत माता की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को नमन किया। जय हिंद। मेरा नाम अंशिका यादव है, मैं प्राथमिक विद्यालय कन्हईपुर में पढ़ती हूँ। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम लोगों ने देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को पिरामिड बनाकर सलामी दी। जय हिंद, भारत माता की जय। लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल की और देखा कि पहले दीवार काटने की कोशिश की गई, जब दीवार नहीं कट पाई तो घर की दीवार पार कर घर में रखे बक्से को उठा ले जाकर उनके ताले तोड़कर नकदी सहित बक्से में रखा लाखों का जेवर भी चुरा लिया। चोरी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पहले दीवार काटी, दीवार नहीं काट सके तो फिर दीवार कूद के अंदर आ गए और अंदर से गेट खोल के बक्से निकाल के ले गए, बाग में बक्से तोड़े। बाग में बक्से तोड़े, कितना माल ले गए? अब 1 लाख से तो कम था नहीं जेवर। अच्छा, उस नकदी भी थी? हाँ, नकदी भी थी। कितना? जो भी हो 2-4 हज़ार रुपये। अच्छा, पुलिस? पुलिस आई थी, आश्वासन दे के गई है। अच्छा, एप्लीकेशन दी? हाँ, एप्लीकेशन दी।
आगरा में पुलिस को सफलता मिली है, जहां 40 लाख की लूट में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभियुक्तों के पास से 4 लाख रुपए, एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, थाना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। जब इसमें इंट्रोगेशन शुरू हुआ, पूछताछ हुई, तो इसमें 5 लोग जिनको इस बात की जानकारी थी कि ये लोग घटना में शामिल हैं, वो लोग पकड़े गए। उनके पास से 4 लाख रुपए के लगभग रिकवरी भी हुई है, और कुछ के परिजन घटना होते समय ही उससे पहले ही फरार हो गए थे। उसमें एक होमगार्ड भी शामिल है, अभी तलाश हो रही है, नहीं मिल पाया। बाकी जो और लोग हैं वो यहाँ पे मिल नहीं पाए, लगातार पुलिस टीम दबिश में है, और शीघ्र ही जो है हम उनको गिरफ्तार करके और भी रिकवरी की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना बिछवा क्षेत्र के अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर स्थित भनऊ घाट काली नदी पुल पर 6 दिन पहले काली पल्सर पर सवार अज्ञात बदमाशों ने अलीगंज से मैनपुरी जा रहे एक सराफा व्यापारी के साथ 40,000 की नकदी सहित लाखों के आभूषण तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जिसका खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 20 जुलाई 2022 को अनुखेड़ा के एक ज्वेलर्स देश दीपक सिंह के साथ अनुखेड़ा भनऊ रोड में लूट की घटना हुई थी। उसमें 4 मुलजिम संदिग्ध थे, जिसके बारे में बताया गया था। इस संबंध में सूचना मिलने पर कल रात में एक दबिश दी गई भनऊ घाट पुल पर, जहां पर 2 बदमाश अभिषेक सिंह और यश कुमार पकड़े गए हैं। 2 मुलजिम भागने में फरार हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से कुछ रुपया और कुछ सफ़ेद धातु बरामद हुई है। एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है, और 20 जुलाई को लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। अयोध्या में सोमवार रात को तेंदुआ दिखने की सूचना मिली है, जिसमें पहले तेंदुए के पैरों के निशान मिले। छावनी क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बच्चों को लेकर एहतियात बरतने की अपील की गई है। कुछ जानवर के कुछ बच्चे ने पाए गए हैं, पर वो भी कंफर्म नहीं है कि वो तेंदुआ है या हाइना है या कोई और जानवर है। इसके लिए हमने 3 टीमें बना रखी हैं रेस्क्यू रिस्पांस टीम के नाम पर, जो कि सुबह 6 से दोपहर 2, 2 से 10 और रात में 10 से 6 के बीच में पेट्रोलिंग करेंगे डे एंड नाइट। इसके लिए एक रेस्क्यू रिस्पांस व्हीकल भी यहाँ उनको दे रखी है, और वो 24 आवर पेट्रोलिंग कर रही है, और हर दिन और हर 8 घंटे के बाद, हर एक शिफ्ट के बाद वो एक रिपोर्ट भी दे रही है। खबर औरैया से है, जहां के कस्बा बिधुना में एक महिला करंट की चपेट में आ गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मोहल्ले के लोगों और परिजनों के द्वारा महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। को करंट लग गया फलाटे पंखे से। अच्छा अच्छा, घर में था? घर में ही था, जिसको ये प्लग लगा रही थी। जी जी। और जिसके कारण उनको प्लग पंखा ऊपर ही गिर गया, जिसमें करंट आ रहा था। करंट आ रहा था। 5 मिनट तक इनके छाती पे पंखा पड़ा रहा, जो अंदर गेट बंद था जिसका। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसको पंखे को हटाया। पहले गेट कुंदी बंद थी, कुंदी को तोड़वाया, इसके बाद अंदर घुसे, तब इनको बागिश डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल ले गए। जी। यहाँ पर लेके आए तो इन लोगों ने मृत घोषित कर दिया। इनका नाम जो है मोहिता अग्निहोत्री, वाइफ ऑफ संजीव, जिनकी उम्र लगभग जो है 48 साल है, और तिलक नगर बिधुना की निवासी है। सुनने में ये चला है कि जो है पंखे में करंट के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में जो है इनको जो है मृत जो है घोषित कर दिया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।